दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। शहरी माहौल में समय की कमी और काम की टेंशन में लोगों को खाने का समय मिल ही नहीं पाता है। ऐसे में सही तरह से खाना न खा पाने की वजह से अधिक लोगों में पोषण की कमी होने लगती है और यही कमी धीरे धीरे व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम करने का मुख्य कारण बनती है। शरीर में होने वाली विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर व्यक्ति को मल्टीविटामिन टैबलेट, सिरप या कैप्सूल लेने की सलाह देते हैं। मल्टीविटामिन की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए हम आपको आज के इस वीडियो में मल्टीविटामिन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। मल्टीविटामिन कई विभिन्न विटामिनों का एक कॉम्बिनेशन है, जो सामान्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत में पाया जाता है। मल्टीविटामिन का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी डाइट से शरीर के लिए आवश्यक विटामिन नहीं ले पाते हैं। किसी बीमारी, गर्भावस्था, कुपोषण, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के कारण शरीर में विटामिन की कमी होने पर भी मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। मल्टीविटामिन का मतलब होता है कि सभी विटामिन का एक साथ होना, उसे मल्टीविटामिन कहते हैं। सामान्य रूप से देखा गया है कि सारे विटामिन एक ही तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए हमें मल्टीविटामिन की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें हेल्दी रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है। बाजार में इन दवाओं को मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल्स और सिंपली विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। मल्टीविटामिन बाजार में टैबलेट्स, कैप्सूल्स, चबाने वाली गोलियां, पाउडर और सिरप जैसे कई रूपों में उपलब्ध है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए करीब 13 विटामिन और 16 मिनरल्स की आवश्यकता होती है। शरीर में होने वाली एंजाइम रिएक्शंस, हार्मोन फंक्शंस में मल्टीविटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शरीर को रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए आवश्यक विटामिन और मिनरल को मिलाकर दवा बनाई जाती है, लेकिन इसका रूप और मात्रा अलग हो सकती है। इसके साथ ही मल्टीविटामिन में अमीनो एसिड, फैटी एसिड और कई जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती है। मल्टीविटामिन किसे लेनी चाहिए? जैसे बुजुर्ग व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ ही विटामिन B12 के अवशोषण की प्रक्रिया में कमी आ जाती है। इसके साथ ही वृद्ध व्यक्तियों को कैल्शियम और विटामिन डी की भी आवश्यकता अधिक होती है। अधिक आयु होने पर पेट में कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्चार्ज होता है, जिससे भोजन को पेट में तोड़ना और पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा आने लगती है। शाकाहारी लोग, जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उन्हें विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये विटामिन केवल मांसाहारी भोजन से ही प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को कैल्शियम, जिंक, आयरन, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी कमी हो सकती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मल्टीविटामिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही जो महिला प्रेगनेंसी पर विचार कर रही हैं, उनको रोजाना करीब 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए। इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का जोखिम कम हो जाता है। इस समय महिला द्वारा रोजाना विटामिन डी की करीब 10 माइक्रोग्राम मात्रा लेने से भ्रूण के विकास में सहायता मिलती है। विशेषज्ञ 6 माह से 5 माह की आयु तक के बच्चों को विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी युक्त मल्टीविटामिन लेने की सलाह देते हैं। ये सभी विटामिन बच्चों को शुरुआती सालों में लेना जरूरी होता है। विशेष रूप से ये विटामिन उन बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं जो खाना खाने में आनाकानी करते हैं। जो व्यक्ति खिलाड़ी या एथलीट होते हैं, उनको अन्य लोगों की अपेक्षा अपनी मांसपेशियों को ठीक करने और फिटनेस को बनाए रखने के लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। थोड़े समय के लिए भार वाली एक्सरसाइज करने के बाद क्रिएटिन और अमीनो एसिड आपकी मांसपेशियों को जल्दी ठीक करने में सहायक होते हैं। कई तरह के अध्ययन से पता चला है कि अधिकतर लोग अपनी डाइट के माध्यम से पर्याप्त पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं। जमीन की खराब गुणवत्ता के कारण भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगह पर उगी सब्जियां और फलों में पोषण की कमी होती है। विटामिन और मिनरल्स के साथ ही मल्टीविटामिन लेने से पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। आइए अब जानते हैं कि मल्टीविटामिन के फायदे क्या हैं। मल्टीविटामिन लेने से शरीर में होने वाली पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सकती है और व्यक्ति को कई रोगों से बचाव हो सकता है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपका शरीर हल्के काम को करने में भी अधिक ऊर्जा खर्च करने लगता है, जिसकी वजह से आपको थकान और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं हो जाती हैं। जबकि मल्टीविटामिन लेने और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने से आप ऊर्जावान और फिट रहते हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि जो लोग मल्टीविटामिन लेते हैं, उनके मूड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनते हैं। दरअसल पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स लेने से आपके दिमाग का कार्य बेहतर होता है और उसका सीधा असर आपके मूड पर पड़ता है। मांसपेशियों की क्षमता बढ़ाएं।
नियमित मल्टीविटामिन लेने से ऐसे फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। हे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।